आंसू मंगल, अब एक आंसू भी बहना नहीं चाहिए। सब क्या सोचेंगे, अम्मा पापा आदि जी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है। मंगल दिख रही है ना आदित्य? हे माता रानी, सब ठीक तो होगा ना? बहन जी थोड़ा जल्दी कीजिए, अमृत वेला समाप्त हो जाएगा। जी पंडित जी। अब जी जी मैं जाकर देख के आऊँ, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो। नहीं गायत्री, अब हम ही जाकर देख कर आते हैं। लक्ष्मी को भेजा था, वो भी गायब हो गई। लगता है अब हमें खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप भी जरा संभाल के। कहाँ गई है मंगल? अरे मम्मी, लक्ष्मी आप सब लोग अब तक यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? जाना चाहिए था ना, सब लोग बुला रहे होंगे। और तू भी अब तक यही है, जाकर बोलना चाहिए था ना कि मैं आ रही हूँ। खैर छोड़ो, अब सब साथ ही चलते हैं। हाँ चल अक्षत। प्लीज ऐसा मत कहो बेबी, मेरी जान निकल गई थी। दोबारा ऐसे कभी मत कहना। ओके है आदित्य मंगल से ही बात कर रहा है। अम्मा आप यहाँ? मंगल कहाँ रह गई थी तुम? पंडित जी गुस्सा कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम हो कि कार्ड पूजा के दिन भी यही किया था ना। मंगल ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ कुछ नहीं अम्मा, मैं बस आ ही रही थी। सौम्या अम्मा इधर ही आ रही है, मैं हैंडल करता हूँ। आंटी को बता देते हैं ना कि खाना नहीं आ रहा। नहीं सौम्या बिल्कुल नहीं, उन्हें कुछ मत बताना, फालतू का टेंशन में आ जाएंगी और चारों तरफ शोर मच जाएगा। प्रॉब्लम का सलूशन तो हमें ही निकालना है ना। हाँ मैं अपने ऑफिस के कैंटीन मैनेजर से बात करती हूँ। मुझे नहीं पता सौम्या, आप मुझे ये मीटिंग अरेंज करके दो। क्या हुआ, कोई परेशानी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ऑफिस की कैंटीन मतलब तो कंपनी के कुछ काम की बात कर रहे थे हम लोग। अब इसे तो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए ना, कुछ तो सोचना चाहिए ना आदित्य। आज घर में पूजा है, ऑफिस का काम ऑफिस में देखो और अपने स्टाफ से भी कह दो ये घर है ऑफिस नहीं। अब जाओ अपनी पत्नी के साथ पूजा में बैठो। जी अम्मा। बेटा तुम मेहमान हो तो बाकी मेहमानों के साथ जा खड़ी हो, अदित को परेशान मत करो, उसे अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजा करनी है, बाकी बहुत सारे काम साथ में बैठकर करने हैं, तो उसे अपने ऑफिस के काम में मत उलझा। अब घर की बहू गृहलक्ष्मी अपने दाहिने चरण से कलश को गिराकर अपने पति के साथ घर के अंदर प्रवेश करें। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए, क्यों की मैंने तुमसे शादी? काश कि मैंने ये शादी की नहीं होती।
मंगल क्या सोच रही हो? यही ना कि इस घर के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। हम भी यही कहेंगे कि आज तुम्हारे भाग्य से हम इतने बड़े घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अच्छा है अम्मा, ऑफिस में सारा ओवरटाइम मैंने किया और क्रेडिट हम मंगल को दे रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि तुम जब ऑफिस में ओवरटाइम करते थे ना, तब मंगल घर पे ओवरटाइम करती थी। तुम ऑफिस से थक के आते थे तब तुम्हें गर्मा गर्म खाना मिलता था, तुम्हारी नींद का ख्याल, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, अच्छे से आराम मिले, इस सब का ख्याल हमारी मंगल रखती थी। अरे कहाँ जा रहे हो? सब जरा रुकिए। आदित, हमारा इंतजार था, वो खाने के प्रबंध में लगा था। आइए, आपको देरी हो रही होगी, चलिए। जी जी। एक मिनट, क्या हुआ जीजी? अब क्या कहीं गायत्री, सौम्या की वजह से आज अदित को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। I'm sorry, सुब्रमण्यम सर। क्या हुआ बेटा? आज मेरे लाइफ के इतने बड़े ओकेशन पर आप शामिल हुए, दिल से आभारी हूं। आपकी मेहरबानियों की वजह से मैं इतना बड़ा घर खरीद पाया। थैंक यू सो मच, आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। इसीलिए तो इनको बढ़िया दावत देनी बनती है। चलिए। मिनट पापा, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर, आई एम रियली सॉरी, एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। पता नहीं इतनी तैयारी के बाद ये गड़बड़ कैसे हो गई। क्या हुआ आदित? मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। खाने का इंतजाम? इंतजाम समय से नहीं हो पाया, आपको खाना परोसने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं मंगल। अरे जी, आप सबको बैठने के लिए कहिए ना, गरम गरम खाना तैयार है। आदित गजब करते हो, फॉर्मल हो गए, सॉरी भी बोल रहे हो। आज मैं यहाँ बॉस की हैसियत से नहीं, एज ए गेस्ट आया हूँ। हाँ, और इतने सारे लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने में थोड़ी देर हो ही जाती है, और ज्यादा भूख लगने पर ही खाने का मजा है ना? You are absolutely right. आइए आइए। जी कौन सा खाना रेडी है? मुझसे बदला लेने के लिए छूट तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं, रेडी है। कहां से मंगवाया तुमने खाना? हमारे केटरर्स आ गए क्या? पहले बता देती ना, हम कितने टेंशन में हैं कब से। नहीं, आपके हलवाई नहीं आए हैं, खाना तो हमने बनाया है। तुमने बनाया? पर सारे हलवाई तो चले गए थे ना। हटाओ ये सब, 5 मिनट में मुझे ये जगह खाली चाहिए, एक इंसान नहीं दिखना चाहिए, पूरा जगह साफ चाहिए मुझे। जी, खाना मैंने और लक्ष्मी ने बनाया है।